So this is chapter 10, which is a poem written by W. Emerson. Okay? So we are going to start this poem, and now we are going to show our dedication towards our nation. How a nation is made? Ek nation kaise banta hai? ठीक है, the nation builders. यहाँ पे हम लोग नेशन को, एक राष्ट्र को बनाने वाले के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो कंट्री इंडिया है वो ब्रिटिश रूल से, आफ्टर लॉट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल्स करने के बाद वो ब्रिटिश रूल से फ्री हुआ था, आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था. और इसको एक राष्ट्र बनाने में, जहाँ पे इतने डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल्स रहते हैं, उसमें बहुत सारे लीडर्स का जो था और फ्रीडम फाइटर्स का हाथ था. और सिर्फ यही नहीं कि बहुत सारे जो लीडर्स थे या फ्रीडम फाइटर्स जो थे, उन्होंने हमारे राष्ट्र को बनाने में अपनी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी दिए हैं. तो ये पोएम उन्हीं लीडर्स, उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स को डेडिकेटेड है जिसने हमारे राष्ट्र को बनाने में अपनी पूरी जी जान लगा दी, यहाँ तक कि जब ज़रूरत पड़ी उन्होंने अपनी जान की भी कुर्बानी दी. तो कह रहे हैं, ये चैप्टर स्टार्ट होता है और कहता है कि नॉट गोल्ड बट ओनली मेन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, मेन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर शेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग. कह रहे हैं कि नॉट गोल्ड, सोना नहीं, लेकिन सिर्फ इंसान ही, कह रहे हैं कि सिर्फ इंसान ही उसे बना सकते हैं, सिर्फ मनुष्य ही उसे बना सकते हैं. वो मनुष्य जो सबसे महान है, सबसे ताकतवर है, जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, जो अपने सम्मान के लिए और सच्चाई के लिए खड़े हुए हैं. बहुत ज़्यादा उन्होंने सेक्रीफाइसेस की, सफ़र किया, बहुत दुख मुसीबतें झेली, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया, उन्होंने एक राष्ट्र का निर्माण कर दिया. यहाँ पे कह रहे कि नॉट गोल्ड, सोना नहीं, बल्कि एक राष्ट्र को बनाया, और उसको बना, और ये वही बना सकते हैं जिनके पास उतनी शक्ति है, जो उतने महान इंसान हैं. और वो महान इंसान हम लोग पढ़े हमारे हिस्ट्री में कि वो कौन कौन थे, जिन्होंने अपने बहुत ज़्यादा सफ़र भी किया, जेल भी गए, वो अपने उन्होंने सेक्रीफाइसेस भी दिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री, सिर्फ हमारे कंट्री के लिए और एक नेशन बनाने के लिए, जो कि ऐसा नेशन हो जो, जहाँ पे सभी लोगों को एक समान देखा जाए. तो कह रहे कि सिर्फ वही लोग जो महान हैं, जो स्ट्रांग है, स्ट्रांग फिजिकली बात नहीं की जा रही स्ट्रांग होने की, कि जिनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति हो, तो फिजिकली नहीं, जो कि स्ट्रांग इतने हैं, वो मेंटली भी स्ट्रांग है और इमोशनली भी स्ट्रांग है. वो लोग जिन्होंने सच्चाई और जो सिर्फ ऑनर, यानी कि अपनी डिग्निटी, अपने ऑनर के लिए, वो हमें कंट्री के शान के लिए, सम्मान के लिए और सच्चाई के लिए खड़े हुए, वो बहुत ज़्यादा सफ़र किए एंड उन्होंने सक्सेसफुली एक नेशन बनाया. कह रहे हैं कि ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर स्लीप, और ये जो इंसान थे, वो जो आदमी थे जिन्होंने हमारे राष्ट्र को बनाया, वो उस समय भी काम करते थे जब ये पूरी दुनिया जो है, जब दूसरे लोग सोते थे. हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, कह रहे हैं जिन्होंने पूरी तरह से डट के सामने किया, उन्होंने इसको एक चुनौती समझ के हमारे राष्ट्र को बनाने के लिए बहुत बहादुरी से काम लिया. दे बिल्ड अ नेशन पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, उन्होंने हमारे राष्ट्र की जो न्यू है, जो फाउंडेशन है, उसको बहुत गहरा बनाया और फिर उसको ऊंचाइयों तक उठाया उन्होंने, और ये बताया कि हमारी राष्ट्र जो है वो एकमात्र एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग डाइवोर्स होने के बावजूद भी उसको एक साथ रहने के काबिल बनाया हमारे राष्ट्र को इस तरह से. तो हमारे राष्ट्र को, हमारे नेशन को बनाने के लिए जिन लोगों का योगदान था, जिन लोगों ने बहुत सारे बहुत चीज़ें सफ़र की, सेक्रीफाइसेस किए और हमारे इस राष्ट्र का निर्माण किया, जो कि
एक ऐसा रास्ता जहाँ पे डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल रहते हैं, और ये काम इतना आसान नहीं था। इसको करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, और वो हमारे उन फ्रीडम फाइटर्स ने करके दिखाया। एंड उन्हीं को डेडिकेटेड ये जो पोएम था वो R.W. इमर्सन जो है उन्होंने लिखा था, उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स को डेडिकेटेड पोएम, कि वो फ्रीडम फाइटर्स कितने महान होते हैं, कितने स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली मेंटली और इमोशनली भी वो स्ट्रांग होते हैं। वो सच्चाई के साथ साथ हमारे कंट्री के सम्मान, अपने कंट्री के, अपने देश के सम्मान के लिए लड़ते हैं और बहुत सारी मुसीबतें झेलते हैं। जब दूसरे सोए भी रहते हैं तो वो काम करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो एक अपने राष्ट्र को बना सके, उसको ऊंचाइयों को छू सके जो कि कोई दूसरा ना छू पाया हो। तो उन ऊंचाइयों को छूने के लिए वो हमारे राष्ट्र के लिए दिन रात मिलके काम करते रहे। तो ये था हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे जो लीडर्स हैं जिन्होंने हमारे नेशन को बिल्डअप करने के लिए जो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए और बहुत ही ब्रेवरी के साम किया, उनको डेडिकेटेड एक पोएम। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको एक वर्क करना है, इस पोएम को लर्न करना है, अपने कॉपी में राइट भी करना है, प्लस इस चैप्टर का बुक वर्क भी कंप्लीट करना है। सो डू योर वर्क एंड कीप स्टडिंग ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा, सो वेट फॉर इट एंड लर्न द पोएम अगेन एंड अगेन, बिकॉज ये पोएम पढ़ना और जानना और समझना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप खुद से पढ़िए और उसको समझिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।